Gracias.
Ram 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 Ram
नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशभक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु जगत गुरु सपरिकर स्वपार्षद प्रभुपाल जी के चरण साष्टांग प्रणाम स्वपार्षद सपरिकर श्रीवर किशोर राधा गोविंद जी अष्ट सखी जी मंदिरों के चरण साष्टांग प्रणाम उपस्थित हरिकथा श्रवणकारी सतीर्थ गुरु भ्रातवृंद वैष्णववृंद वैष्णववृंद भक्तवृंद समस्त चरण आधन का यथा युग दंड प्रणाम स्वीकार। कुछ दिन पहले हम श्री राय रावण संवाद को श्रवण कर रहे थे, उसमें भी किस प्रकार का जो ज्ञान है और उसको भी जो डिवाइड डिस्कशन करके श्री रामानंद राय ने बताया ज्ञान विज्ञान रहस्य और तदंग।
और उसके भी आगे किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु कृष्ण के जो इच्छा बाकी रह गया, तीन इच्छा, उसको पूरा करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। अब ये ग्रंथ का आज से जो वास्तविक जो शुरू है उसी ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। किसला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ के पहले एक बड़ा सुंदर स्तुति किया था, जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु को समुद्र के साथ तुलना किया और श्री रामानंद राय जी को मेघ के साथ तुलना किया। और उसी समुद्र से ही जैसे मेघ में जल संचारित होता है और जब वृष्टि होता है उसी वृष्टि के द्वारा जो समुद्र में स्वाधि नक्षत्र में अगर बारिश हो तो उसी बारिश के द्वारा जो समुद्र में जो सीप रहते हैं, जो मछली रहते हैं, कुछ विशेष प्रकार की मछली जिनके आँखों में ये पानी जाते ही क्या होता है, मोती बनते हैं और समुद्र रत्नाकर बन जाते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे समंदर हैं। महाप्रभु के जो पांच रस के जो विशेष करके जो मधुर रस जो आस्वादन करने के लिए आए हैं, सारे रस के अखिल भंडारी श्रीमन महाप्रभु, उनमें से कुछ रस आकर्षित होके कहाँ जाता है, जो मेघ श्री रामानंद राय जी के पास जाते हैं। फिर वहाँ से जब बारिश होता है, यानी रामानंद राय ने जी ने कृष्ण के जो वैचित्रता विशिष्टता जिस प्रकार का मधुरता को विशेष रूप में वर्णन करते हैं, जिस प्रकार राधा रानी को भाव को वर्णन करते हैं और महाभाव तक जाके पहुँचते हैं, ये सुन के श्रीमन महाप्रभु के हृदय गदगद हो जाता है। और श्रीमन महाप्रभु समंदर से जो विशेष करके बता रहे हैं कि ये जो भाव सुन के महाप्रभु रत्नाकर बनते हैं, सिद्धांत रत्न बन जाते हैं। तो यहाँ से पहले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस ग्रंथ का शुरू करते हुए बता रहे हैं कि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु को, श्रीमन महाप्रभु को एक साथ में ही प्रणाम करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु के जय हो और उनके साथ जितने भी गौर भक्त वृंद है उन सब गौर परिकर वृंद की जय हो। तो श्रीमन महाप्रभु जिस समय दक्षिण यात्रा जा रहे थे, दक्षिण को उद्धार करने के लिए, दक्षिण को जो कुतर्क आदि को खंडन किए, दक्षिण यात्रा में बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े अपने पार्षदों को उद्धार किया, कृपा प्रदान किया, तो उसी समय श्रीमन महाप्रभु एक समय जड़िय नृसिंह क्षेत्र एक जगह है वाइजेक के पास सीमांचलम, तो वहाँ पे जो नृसिंह देव है उनको बोलते हैं जड़िय नृसिंह। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक जड़िय नाम का एक साउथ में तेलुगु नाम है ये जड़िय, तो उसको श्री नृसिंह देव ने कृपा किया था तो इसीलिए उनको जड़िय नृसिंह देव बोलते हैं। तो कुछ दिन पहले श्रीमन महाप्रभु जैसे ही साउथ में हम एंट्री करते हैं, उड़ीसा बॉर्डर ख़त्म होके जैसे ही साउथ का बॉर्डर शुरू होता है तो सबसे पहले नृसिंह देव ही हैं। तो जैसे ही श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने के लिए गए तो वहाँ पे सीमांचलम पे पहुँचे, विशाखापट्टनम जो लोग जानते हैं, वहाँ से ज़्यादा नहीं 10-15 किलोमीटर सीमांचलम पहाड़ के ऊपर है श्री नृसिंह देव। तो वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो नृसिंह देखिया कल दंडवत प्रणाम प्रेमा वैसे कल बहु नृत्य गीत स्तुति। नृसिंह देखिया कल दंडवत प्रणति प्रेमा वैसे कल प्रभु नृत्य गीत स्तुति। नृसिंह देव को देख के श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे नृसिंह देव को क्या किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए श्री नृसिंह देव को, और प्रणाम करने के बाद क्या करते हैं, प्रेमा वैसे कल प्रभु नृत्य गीत रीति, प्रेमावेश से आवेश में आके श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे नृत्य कीर्तन किया। तो यहाँ पे हमारे गुरुवर्ग एक प्रश्न उठा रहे हैं, क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु कौन है? ये श्रीमन महाप्रभु है राधा भाव द्युति सुवलितम, हाँ, राधा रानी के भाव, राधा रानी के अंग कांति को लेके ये श्रीमन महाप्रभु आए हैं। और नृसिंहदेव कौन है? ऐश्वर्य ठाकुर जी। और इनका जो भाव विशेष करके महाप्रभु के भाव किस में है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में। तो इन्होंने नृसिंहदेव को देख के उस प्रकार नृत्य कीर्तन क्यों किया, ये प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण समस्त रस के, समस्त भगवान भगवत्ता के भी भगवान है, मतलब कृष्ण से ही
कृष्ण से ही मत्स्य कूर्म बराह नरसिंह आदि रूप प्रकाशित हुए हैं। केशव धूत मीन शरीर जयदेव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। केशव धूत नरहरि रूप, केशव धूत कूर्म शरीर, केशव धूत शुकर रूप। तो केशव से ही ये सारे के सारे रूप प्रकाशित हुए हैं। तो श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे उसी जो नृसिंहदेव के जो स्वरूप है उनमें से भी जो रस वैचित्रता है, तो श्री नृसिंहदेव में भी थोड़ी बहुत क्या है ना, ये रस वैचित्रता है, क्योंकि ये कृष्ण से ही प्रकाशित हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ी बहुत रस का वैचित्रता है। तो इसीलिए यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने नृसिंहदेव को दंडवत प्रणाम किए, और दंडवत प्रणाम करके यहाँ पे एक दो स्तुति किए। श्रीमन महाप्रभु ने नृसिंहदेव को देख के दो स्तुति किए। श्री नृसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। कि जय हो नृसिंहदेव, जय हो नृसिंहदेव, आपका जय हो। और क्या ना, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, कि आप प्रहलाद महाराज जी को सदा सर्वदा ईश हो, प्रहलादे ईश, प्रहलाद के ईश मतलब प्रहलाद के आप ईश्वर हो। और जय पद्म भृंग, आपके जो पद्म भृंग यानी आप लक्ष्मी देवी, क्या एक अर्थ है जो श्रीधर गोस्वामी पाद अपने टीका में लिख रहे हैं कि लक्ष्मी देवी भ्रमण रूप धारण करके ठाकुर जी का मुख इतना सुंदर है। हाँ, किस प्रकार नारायण का मुख मुखकमल सुंदर है, बड़े बड़े पद्म पलाश लोचन नेत्र, किस प्रकार उनका नेत्र बड़े सुंदर, बड़े सुंदर होठ, ठाकुर जी का बड़े सुंदर गाल, बड़े सुंदर मुख है। तो श्रीधर गोस्वामी पाद एक टीका में वर्णन कर रहे हैं, एक अर्थ में वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मी बीच बीच में मोहित हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये तो ठाकुर जी के जो पूरा का पूरा अंग को कमल के साथ सदृश से तुलना किया गया है। अब कमल में कौन खिलता है, भमरा। तो लक्ष्मी क्या करते हैं, भ्रमर रूप धारण करते हैं, और उस रस को आस्वादन करने के लिए भी वहाँ पे नारायण के चारों तरफ उस मुखमंडल को मंडराते रहते हैं लक्ष्मी जी। तो प्रहलाद से जय पद्म मुख पद्म भृंग, तो ये आपके जो मुख पद्म को ये भृंग सदृश लक्ष्मी क्या करते हैं, और आपके चारों तरफ इस रस को आस्वादन करने के लिए भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार नृसिंहदेव की स्तुति करते हैं। प्रहलाद हृदय आह्लादम भक्त विद्या विदारकम सरबिंदु रुचिम वंदे पारिंद्र वदनम हरि बागीसा यस्य वदने लक्ष्मी जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदय संवित्तं नृसिंहं भजे। प्रहलाद हृदय आह्लादम, प्रहलाद महाराज के हृदय में जो आनंद का आह्लाद मतलब जिस प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले ये कौन है ना, ये साक्षात नृसिंहदेव है। देखो यहाँ पे श्रीधर गोस्वामी पाद एक टीका में वर्णन कर रहे हैं नृसिंहदेव कौन है, उनके स्वरूप आधे स्वरूप शेर जैसे हैं। तो शेर किस प्रकार का वात्सल्य प्रेम प्रदान कर सकते हैं, एक शेर अपने बच्चे को क्या करके वात्सल्य प्रदान करते हैं, चाट चाट कर। तो यहाँ पे भी नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा रहे हैं और गोदी में बिठा करके उनको खेल रहे हैं, उनको बाल को खेल रहे हैं और उनको चाट चाट करके, चाट चाट करके उसी वात्सल्य प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। तो वो किस प्रकार का आनंद होगा, हमको सुनते ही इतना आनंद हो रहा है, तो उनको किस प्रकार का आनंद होगा प्रहलाद महाराज जी को। तो प्रहलाद महाराज जी को जिस प्रकार आनंद प्रदान करने वाले उसी नृसिंहदेव की जय हो। भक्त्या विद्या विदारणम, भक्तों के अविद्या को निवारण करने वाले नृसिंहदेव, जो जीव के हृदय में जो देखो पाप जो कर्म है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन पाप जो कर्म है वो कैसे सृष्टि होता है, पाप बीज से, और पाप बीज का जो मूल है वो है अविद्या। तो जो पूरा पाप को मूल से समूल नाशनम जो उन्मिलनम, तो समूल पूरा पाप को नष्ट करने वाले भक्तों के जो हृदय के जो अविद्या रूपी जो जड़ है उसको पूरा उखाड़ के फेंकने वाले सदृश नृसिंहदेव को प्रणाम कर रहे हैं। पर सरबिंदु रुचिम बंदे, जो शरतकालीन है, जो शीतकालीन जो शरत पूर्णिमा में जो चंद्रमा के सदृश है उनका शोभा, उनका जाज्वल्यमान है, उसी नृसिंहदेव को प्रणाम करते हुए वर्णन कर रहे हैं। बागी सा यश वदने लक्ष्मी यक्ष से बख्शसी, बागी बाग मतलब बाग देवी कौन है, सरस्वती देवी, जिनके मुखमंडल पे सदा सर्वदा सेवा करते हैं और जिनके हृदय पे श्री लक्ष्मी जी विराजमान करते हैं। और यस्यास्ते हृदयम संबित, जिनके हृदय में चित शक्ति देवी शक्ति विशेष रूप में अद्भुत रूप में जो भक्तों का कष्ट को निवारण करने वाले, इसलिए तो बोलते हैं ना सर्व विघ्न विनाशन नृसिंहदेव, उनको सारे भक्तों का विघ्नों को विनाश करने वाले जो भगवान है वो कौन है,
ये नृसिंहदेव है, इसीलिए इनको श्रीमन महाप्रभु जाते ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और एक जयदेव गोस्वामी कृत एक श्लोक है कि तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंग, उसके बाद दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। तो इसमें बता रहे हैं कि अब बताओ भाई तब कर कमल, भगवान के प्रत्येक अंग क्या है, कमल के फूल के समान सदृश उनको तुलना किया गया है। कमल से क्यों तुलना किया गया, कमल से कमल जितना कोमल है, पद्म पुष्प यानी जो कमल का फूल है तो उनका पंखुड़ी किस प्रकार कोमल है, उससे भी जो कोमल वो है क्या है ना, भगवान का मुख है, भगवान का अधर मुख है, भगवान का आँख है, भगवान का कर है मतलब हाथ है, भगवान का चरण है, भगवान का नाभि है, पूरा शरीर। तो देखो हम भगवान का प्रत्येक अंग को कमल के साथ तुलना कर रहे हैं। मुख पद्म, भगवान के मुख पद्म सदृश, पद्म पलाश लोचनम, भगवान के जो आँखें वो कमल के पंखुड़ी जैसा आँखें, हाँ पुंडरी काक्षंग, हम आचमन करते हुए अपवित्र पवित्र या स्मरे तो पुंडरी का पुंडरीक मतलब पद्म, अक्ष पुंडरीक अक्ष मतलब जिनका आँख पद्म जैसा, नाभि पद्म मुख पद्म विनिश्रता किस प्रकार का मुख पद्म है, कर कमल भगवान के हाथ किस प्रकार कोमल है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तब कर कमल बरे, कि प्रभु आपका हाथ तो इतना कोमल है, आप ये हिरण्यकश्यप को कैसे मार दिए, कैसे विदारण किए, आपको हर्ष में क्या कष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं श्रीधर गोस्वामी पाद, प्रश्न उठा रहे हैं कि आपके हाथ में तो कष्ट हुआ होगा, पूरा चीर फाड़ दे, इतने कोमल हाथ क्या चीर फाड़ सकते हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं। क्या होगा जवाब, पहले ही बोलने की तब कर कोमल कमल, आपके हाथ तो कमल सदृश है, आपने फाड़ा कैसे, कष्ट तो हुआ होगा। बोल रहे हैं हाँ कष्ट हुआ है। देखो इसमें कितना अद्भुत व्याख्या बता रहे हैं श्रीधर गोस्वामी पाद कि तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, इसमें जो श्रृंगार हुआ है आपके हाथ तो कमल के साथ सदृश हुआ है, तुलना किया गया है, लेकिन इसका जो श्रृंगार है, हाथ का श्रृंगार क्या होता है, कंकण धारण करना, अंगुष्ठी धारण करना, मुद्रिका धारण करना, हाँ और माता जी सुंदर सुंदर मेहंदी नेल पॉलिश पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो उसका हाथ का सुंदरता है हाँ। तो लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं वो सब धारण नहीं किया आपने, आपने ना मुद्रिका धारण किया, आपने ना बड़े सुंदर सुंदर कर कमल जो कंकण उसको धारण किया हाँ, ये इस प्रकार कोई अलंकार आपने धारण नहीं किया, लेकिन आपका हाथ का जो श्रृंगार है वो क्या है ना, नख अद्भुत श्रृंग, उसमें एक अद्भुत चीज है, क्या है ना नख, उसका श्रृंगार क्या है, नाखून, नाखून बढ़ाते हैं तो हमको डांट लगता ना, हे नाखून काटो, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि नाखून एक श्रृंगार है। तो बता रहे हैं कि आपका जो हाथ का जो श्रृंगार है, इतने कोमल हाथ में आप उसका जो श्रृंगार हो रखा है ना, वो नाखून है, बता रहे हैं इसमें एक अद्भुत वर्ड आया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अद्भुत क्या है, किस चीज़ को अद्भुत बता रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि एक कमल पुष्प को जैसे ही सूरज उगते ही क्या होता है वो खिल जाता है, और सूरज डूबते ही वो फिर से कमल पुष्प क्या होता है, बंद हो जाता है, लेकिन जो भमरा वो दिन भर कमल पुष्प में क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं, फिर जैसे ही शाम हो जाता है वो कमल धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और वो भमरा क्या होता है उसके अंदर ही रह जाते हैं। अब बताओ इतने प्रकार का जो भमरा जो पेड़ को काटने में समर्थ रखते हैं, पेड़ को लकड़ी को काट के छेद करके निकल जाते हैं, वो कमल के एक पंखुड़ी को नहीं काट सकते, उसमें पूरा बसीभूत हो जाते हैं। अब बसीभूत होके क्या करते हैं वो भमर बसीभूत होके क्या करते हैं, वो जोर जबरदस्ती उसको जाना है ऊपर, तो कमल के जो नाड़ है उसको अपने जो सुंड है सुंडिका से उसको खोदते रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके विदारण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो साधारण जगत में होता है, लेकिन यहाँ पे अद्भुत चीज़ क्या है, किस चीज़ को अद्भुत बता रहे हैं, देखो दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम, कि यहाँ जागतिक जगत में तो एक कमल को क्या होता है प्रभु भृंग यानी भ्रमरा क्या करता है, विदारण करता है, लेकिन यहाँ पे अद्भुत ये चीज़ है कि आप पद्म के सदृश हो और भृंग यानी हिरण्य कश्यपु भ्रमरा के सदृश है। जागतिक जगत में एक
पद्म को भ्रमरा क्या करते, खंडित विखंडित दलित कर देता है। लेकिन यहाँ इस चीज़ का अद्भुत है कि यहाँ भ्रमर कमल को दलित नहीं कर रहा है, कमल क्या कर रहा है, भ्रमत को उल्टा दलित कर रहा है। ये अद्भुत है यहाँ पे। दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम, आप हिरण्य कश्यपु रूपी भृंग के तनु को, उनके शरीर को दलित कर दिए। तो किस प्रकार का वहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, इस प्रकार का प्रणाम करते हुए ए मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैल नृसिंह सेवक माला प्रसादे आनी दिल। तो इस प्रकार का बहुत सारा महाप्रभु ने दो तीन यहाँ पे स्तुति किए और प्रणाम किए श्री नृसिंहदेव को, और प्रणाम करके उनके नृसिंहदेव को जो प्रसादी माला क्या हुए, नृसिंहदेव को सारे के सारे जो प्रसादी माला और फल फूल इत्यादि, उनका नृसिंहदेव का एक सेवक श्रीमन महाप्रभु देखते ही वहाँ पे उनको प्रदान करते हैं। पूर्ववत कोनो विप्र कल निमंत्रण सही रात्रि तहाँ करी ल गमन, जे जहाँ पर भी श्रीमन महाप्रभु जाते हैं महाप्रभु को देख के, जैसे ये बोलते हैं ना कि गंगा, गुरुदेव एक बार बोल रहे थे कि गंगा किनारे श्रीमन महाप्रभु जा रहे थे, तो उसी गंगा के किनारे जिस गांव के किनारे किनारे जाते हैं उसी गांव में हरी बोल इस प्रकार का ध्वनि होता है। तो जहाँ पर भी महाप्रभु जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक दो ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण कर ही देते हैं कि प्रभु आप आज रात हमारे यहाँ रुक जाओ, कि प्रभु आप आज रात हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करो। तो पूर्ववत एक ब्राह्मण, मतलब इससे पहले भी बहुत ब्राह्मण महाप्रभु को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु को बुला चुके हैं, और यहाँ पर भी एक ब्राह्मण ने क्या किया, श्रीमन महाप्रभु को निमंत्रण दिया। फिर से यहाँ पे तीर्थ यात्रा, किस प्रकार तीर्थ का महिमा थोड़ा कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें वर्णन कर रहे हैं, उसको कल श्रवण करेंगे। कौरवे गौरचंद्राय राधिका स्तुदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिंधु ये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। संप्रतम मेरे गुरुदेव ओम विष्णु अष्ट श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में नंद कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव बताते हैं कि प्रभु इतने प्रसन्न जब नहीं होते जब हम प्रभु की लीलाओं का वर्णन करें और उनकी, मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन करें, बल्कि उससे ज़्यादा प्रसन्न जब होते हैं जब हम भक्तों की लीलाओं का वर्णन करें। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में निधिवन और नदीवन में श्री हरिदास महाराज जी, श्री हरिदास ठाकुर ने स्वयं श्री बांके बिहारी को प्रकट किया है। गुरुदेव बता रहे थे कि श्री हरिदास ठाकुर स्वयं इस पृथ्वी पर नहीं आए, जब श्री गौरहरि इस पृथ्वी पर आए तो गौरहरि स्वयं श्रीधर महाराज श्री हरिदास महाराज जी को लेकर आए। क्योंकि उन्होंने देखा भगवान कितना बड़ा फल दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, जिसमें मेरे अभिमान हो गए, छोटे जाति में जाकर तो मुझे अंदर में जीव निकाल रहे हैं, इसलिए मुझको उनको यह महापुरुष लगा है हरिदास ठाकुर। और एक है हरिदास, यदि हरिदास कौन है, यदि श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम हरिदास,
जिन्होंने वृंदावन में जो बांके लिया विधुवत गए हो, विधुवत ने जो बांके लिया जिन्होंने प्रकट किया है ना हरिदास। हमारे संप्रदाय में जो जन आए कौन है हरिदास ठाकुर। एक समय की बात है, राजा अकबर और तानसेन एक सरोवर के किनारे घूम रहे थे। तो राजा अकबर बोले, तानसेन मुझे नहीं लगता कि इस संसार में तुम्हारे से बड़ा गवैया कोई होगा। तो तानसेन बोले, नहीं गुरुदेव, आपने ये बात तो गलत कह दी। तो राजा अकबर बोले, कैसे? तो उन्होंने एक मुट्ठी में थोड़ा सा जल लिया और उसको ऐसे टपकाया और बोले, जो इसमें से ये बूंद गिरी है वो मैं हूँ और जो ये पूरा सरोवर है वो मेरे श्री गुरुदेव हैं। तो अब राजा अकबर के मन में वो विचार हुआ और बोले, चलो हमें भी मिलना है तुम्हारे गुरुदेव से। तो बोले, नहीं वो ऐसे नहीं मिलते। तो बोले, क्यों? ऐसा कौन सा काम है जो हम हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कर सकता? तो बोले, हाँ आप इसलिए तो नहीं कर सकते कि आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं। तो बोले, क्यों, क्या बात है? तो बोले कि मेरे गुरुदेव का एक प्रण है कि वो सिर्फ जो बादशाहों के बादशाह हैं श्री ठाकुर जी को अपना राग सुनाते हैं, अन्यथा किसी को भी नहीं। तो वो बोले, ठीक है, अगर हमारी बादशाह इतनी वो है तो हम तुम्हारे नौकर बन के चलते हैं और तुम्हारा सामान उठाएंगे। तो बोले, ठीक है। तानसेन बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानते। तो राजा अकबर और तानसेन चल देते हैं। तब श्री निधिवन जी में पहुँचते हैं। राजा अकबर एक सामान उठाने वाले का एक भेस बनाए हुए वहाँ पहुँचते हैं। अब थोड़ी देर इंतजार भी करना पड़ता है, ठाकुर जी के द्वार बनते। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर आते हैं तो वो उनको देखते हैं, कहते हैं, तानसेन कैसे आना हुआ यहाँ पे? तो बोले, गुरुदेव यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूँ। बोले, ठीक है, आओ बैठो। तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और बैठते हैं। तो वो कहते हैं, कुछ राग सुनाओ। कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, सुनाता हूँ। तो वो मेघ राग गाना आरंभ करते हैं। तो वो जान पूछ कर एक तो स्वर इधर से उधर कर देते हैं। तो वो कहते हैं, अरे क्या गा रहे हो, स्वर इधर से उधर क्यों कर रहे हो? बोले, मुझसे तो ऐसे ही गाना आता है, अगर गलत क्या है तो आप ही गा के बता दीजिए। तो वो कहते हैं, ठीक है। तो अब हरिदास ठाकुर राग विलापना आरंभ करते हैं और जैसे ही वो विलापते हैं तो राजा अकबर को बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चारों तरफ मेघ बरसने लगते हैं, चिड़िया चहचाने लगती हैं। अब राजा अकबर की एक आदत थी, जब भी वो तानसेन से राग सुनते तो वो वाह 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 करते थे। तो जब तानसेन वहाँ पर आए तो वो राजा को समझा के आए थे कि महाराज, जब राग शुरू हो तो आप ऐसा ना करें, वाह 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 वाह, वरना मेरे गुरुदेव उस राग को वहीं छोड़ देंगे। तो बोले, हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगा, चलो तुम। तो अब उन्होंने वो राग सुना, उनकी कहाँ सुधि अपने बस में थी, उनका तो बिल्कुल ही उनका होश खो चुके थे वे। अब वो राग सुनते ही वाह 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 करने लगते हैं। अब वाह वाह सुनते ही हरिदास ठाकुर रुक जाते हैं, कहते हैं, कौन है जिसने मेरा राग चोरी से सुना? अब तानसेन घबरा जाते हैं और दंडवत करते हैं, कहते हैं, श्री गुरुदेव ये महाराज हैं, बादशाह श्री राजा अकबर। कहते हैं, तो हमारा राग चोरी से क्यों सुना, चाहे राजा हो या कोई भी? तो वो कहते हैं, गुरुदेव से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, चाहे प्राण भी जा रहे हो तो गुरुदेव से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अब कहते हैं, क्षमा कीजिए। अब साधु तो का क्रोध तो होता ही है जैसे समुद्र पे लकीर, अब वो उनका क्रोध शांत होता है और क्षमा करते हैं। कहते हैं, अब देखते हैं कि हमारा राग सुनने के लिए राजा स्वयं एक मतलब साधारण व्यक्ति का रूप बना के आया, तो उन्हें क्षमा कर देते हैं। अब वो कहते हैं, हमें अपनी कोई सेवा बताइए। कहते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं बतानी सेवा, मैं तुम्हें से वैसे ही प्रसन्न हूँ। कहते हैं, कोई सेवा बता दीजिए। कहते हैं, नहीं रहने दो। अब वो कहते हैं, अरे कोई क्या कहेगा कि बादशाह आए थे और कुछ देके भी नहीं गए यहाँ। कहते हैं, अच्छा बादशाह पे इतना अहंकार है तुमको, चलो दिखाता हूँ तुम्हें भी। अब भगवान की लीला दिखाने की प्रयास करते हैं श्री हरिदास ठाकुर। कहते हैं, रहने दो, जो तुमसे मैं कहूँगा वो तुमसे होगा नहीं। कहते हैं, अरे आप कहिए तो सही, हम जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं, ठीक है, श्री यमुना जी की एक पैड़ी है और उस पैड़ी का एक किनारा टूटा हुआ है, जाओ वो किनारा ठीक कराया हो।
कहते हैं हाँ पहले देख लो, कभी लोग कहें तुमसे हो ना पाए और लोग कहें कि राजा अकबर की बात छूटी हो गई, तो कहते हैं कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। तो जाते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पर यमुना जी, जो देखते हैं यमुना जी के इतना बहु, अब गुरुदेव उन्हें भेजते हैं तो उन्हें एक दिव्य दृष्टि दे के भेजते हैं जो श्री भगवान ने उनको दे रखी थी। अब जाकर देखते हैं तो इतने बहुमूल्य पत्थर से वो बनी थी पैड़ी। वो कहते हैं मैं क्या, मेरे जैसे 100 राजा भी अगर बिक जाएं तो इस पैड़ी को ठीक नहीं करा सकते। तो अब वो वहाँ से जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं ऐसी वो नहीं करा सकता ठीक। कहते हैं अच्छा ठीक है, तो कहते हैं जो मेरी औकात में सेवा हो आप मुझे वो बताएं कृपा कर। कहते हैं ठीक है हाँ, अब आए ना तुम अपनी उस पर, पहले तुम राजा बनकर सेवा करना चाह रहे थे और अब तुम दास बनकर सेवा करना चाह रहे हो। कभी सेवा राजा बनकर नहीं होती, दास बनकर होती है। कहते हैं ठीक है अब मुझे एक वचन दो कि वृंदावन के भी जितने पशु पक्षी हैं उनका कभी शिकार ना हो, इतने तुम्हारा राज्य। कहते हैं ठीक है महाराज नहीं होएगा, और वहाँ से वो चले जाते हैं। आज भी श्री वृंदावन धाम में ऐसी मधुर मधुर लीला होती रहती है, पर हम कहें कि वो हम देख क्यों नहीं पाते, तो हमारे आँखों के ऊपर माया रूपी पर्दा लगा है, तो वो पर्दा हटेगा कैसे। जिस प्रकार नेत्र का काजल सबसे समीप होता है पर नेत्र उसे चाकर भी नहीं देख पाते, तो उसे देखते कैसे हैं। जब कोई आए ना हम आईने में खुद को देखें और जब उन आँखों में वो काजल दिखता है, इसी प्रकार हमारे गुरुदेव आते हैं और जो हमारी आँखों में वो माया रूपी पर्दा है और उसको हटाते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर कृपा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिरधर गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सति श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिरधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत नित्रलाभविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। उनकी आयुतों की वांछा ही कृपा करते हैं मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद बलराम प्रभु के चरणों में मेरा थायों की दंडवत प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। देखो एक साइंटिस्ट थे और बहुत उच्च कोटि के साइंटिस्ट थे, तो एक बार क्या हुआ उन्हें निमंत्रण मिला बेंगलोर से कि आप बेंगलोर आ जाइए और आपका बहुत उच्च स्तर का सम्मान किया जाएगा। तो साइंटिस्ट को क्या चाहिए, वो तो इसी अवसर की तलाश में रहता है कब मुझे ऐसा अवसर मिले जहाँ मेरा सम्मान हो। तो उसने सारे काम को छोड़ के बेंगलोर जाने के लिए टिकट बुक करा दिया एरोप्लेन का। तो जब वो अब दिल्ली से जब वो गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे तो वहाँ जाके उन्हें पता चला कि दिल्ली से बेंगलोर तक का रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ तक एरोप्लेन नहीं जाएगा। लेकिन उसे तो पहुँचना था, क्यों पहुँचना था, क्योंकि उसे अपना सम्मान कराना था। तो उसने क्या सोचा कि जिस गाड़ी से आया हूँ इसी गाड़ी से बेंगलोर चलता हूँ। उसे यह नहीं पता कि बेंगलोर जाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से चल दिया। अब जब चला है रास्ते में तो बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आ गए, फिर थोड़ी और आगे चले तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़कने लगी, बारिश बरसने लगी। उसने सोच तो इस गाड़ी से स्टेयरिंग घुमाते घुमाते गाँव में ले गए गाड़ी को, जाना था कहाँ बेंगलोर, और पहुँच गए कहाँ गाँव में। तो जब गांव में पहुंच गए तो गांव की सड़क तो पक्की नहीं होती, गांव की सड़क कैसी होती है, कच्चे वाली गड्ढी गड्ढे हो। तो वो गाड़ी का पहिया गड्ढे में घुस गया और जब गड्ढे में घुस गया तो अकेला कैसे निकाले, ऊपर से बारिश बरस रही। तो उसने सोचा कि रात को यहीं स्टे कर लूँ गांव में ही और सुबह चला जाऊँगा। तो उसने देखा उसको एक कुटिया नजर आई, तो उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक बूढ़ी माता जी आई। तो बोली क्या बात है बेटा, बोले माँ मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। बोली हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, अंदर आ जा। जान ना पहचान, माँ तो जानती नहीं थी, फिर भी माँ ने कहा अंदर आ जा। अंदर बिठा लिया, फिर बोली माँ कि बैठ जा अभी ठंड हो रही है, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो अगर अब पानी के बाद चाय मिले तो ऐसे में तो बड़ी राहत मिलेगी ना, वो इंतज़ार करना चाहेगा।
अम्मा चाय बना के लाई तो वो चाय पीने लगे तो दीवार पे भगवान की फोटो लगी थी राधा कृष्ण की। तो माँ बोली कि बेटा जरा मैं ठाकुर जी की आरती कर लूँ, दीपक जला लूँ और तू खाना खा कर जाना, मैं तुझे खाना बना कर दूँगी। तो जब उसने वो बात बोली उसने बोला मैं सो भी जाऊँ रात को यहाँ, क्योंकि सोना ही था उसे। बोली हाँ हाँ बेटा तू सुबह चला जाना, वैसे भी ऐसे में तू कहाँ जाएगा। अब उसकी तो बन गई बात, अम्मा आरती कर रही है। जब माँ आरती करके बैठी तो जो व्यक्ति था उसने पूछा कि माँ तू भगवान में विश्वास रखती है। बोले बिल्कुल रखती हूँ, मेरी पूरी श्रद्धा है। तो बोले कैसी श्रद्धा है? तो देखो ये सुनने की बात है, वो बोल रही है कि देख बेटा खाट पे ये मेरा बेटा लेटा है, इस बेटे का ऑपरेशन होना है, ब्रेन ट्यूमर है इसे। लेकिन जब मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि दिल्ली में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो दिमाग का ऑपरेशन करना जानते हैं, केवल तेरे बच्चे का ऑपरेशन वो ही कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? वो बोले कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। अब माँ के पास 2 लाख रुपए नहीं है, वो ये बात किसे बता रही है? डॉक्टर को, कि मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मुझे अपने बंसी वाले पे पूरा भरोसा है कि किसी ना किसी दिन भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, इसलिए मैं उनके सामने रोज एक दीपक जलाती हूँ। तो जो डॉक्टर था उसकी आँख से आंसू आ गए। तो वो माँ बोली कि क्या बात है बेटा, मैंने तो कुछ ऐसी बात नहीं कही, तू रो क्यों रहा है? बोले माँ मैं वही डॉक्टर हूँ जो तेरे बच्चे का ऑपरेशन कर सकता हूँ। मुझे प्लेन से जाना था बैंगलोर, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची कि मुझे गाड़ी के मार्ग से जाना पड़ा, और मेरा गाड़ी का स्टेयरिंग भी कहाँ घूम गया? तेरे गाँव की तरफ। और मैंने दरवाजे भी किसका खटखटाया? केवल तेरा। यानी मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। इसलिए अगर आपकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट प्रेम है, तो आपका भी कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता, लेकिन श्रद्धा तो हो। तो इसलिए मेरे आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि एकादशी के व्रत में अपनी श्रद्धा इसी तरह बनाए रखें, आपके सभी काम पूर्ण होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु भयस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी पोलिटी समझा था वो बंदा है, वो इसको तिलक लगाते हमारे गौरी वैष्णव का, लेकिन वो इस पर लगती है गौड़ी मटकी है, गौड़ी मटकी, गौड़ी मटकी लड़की है, गौड़ी मटकी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। कल कौन कौन लोग नहीं आए थे कथा में, वो हाथ खड़े कर लो। अच्छा, कुछ काफ़ी लोग नहीं आए थे। तो कल मैंने एक टॉपिक बताया था, तो टॉपिक ये था आर्ट ऑफ बैगिंग, मांगने की कला। भगवान से क्या मांग रहे हैं, भगवान से मांगने की कला। तो थोड़ा सा मैं उसका रिपीट कर देता हूँ, उससे फिर आगे बताऊँगा मैं। तो हमने कल एक कथा सुनी थी, उसमें हमने बताया था कि एक बहुत बड़े सेठ ने एक साधु को अपने यहाँ निमंत्रित किया कि हमारे यहाँ भागवत करो। उनको ग्रुप बनाया और वहाँ भागवत कराई, बहुत बड़ा पंडाल लगाया, लाखों का पंडाल लगाया, पूरे गांव का उन्होंने भंडारा करवाया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत भंडारा किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, रोज कथा हुई, काफ़ी लोग आए। और अंतिम दिन से एक दिन पहले वो सेठ आया गुरुदेव के पास, आके बोलने लगा कि गुरुदेव कैसा चल रहा है सब कुछ। गुरुदेव ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति गुरुदेव समझ गए कि उसके मन में कुछ इच्छा है। तो गुरुदेव ने कहा तुम कुछ चाहते हो? उन्होंने कहा गुरुदेव मैं कुछ चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा क्या चाहिए, है ना? तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि कल आप माइक में मेरा अनाउंसमेंट कर दीजिए कि भैया मैं कथा करा रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं अभी कि मैं कथा करा रहा हूँ, तो मेरा नाम ले लेना कि मैं कथा करा रहा हूँ और मैंने इतने इतने लाखों का पंडाल लगाया, इतने लोगों का मैं भोजन करा रहा हूँ, इससे क्या होगा मेरा नाम होगा और अगला जो चुनाव होगा यहाँ प्रधान का तो मैं खड़ा होऊंगा और जीत जाऊँगा। तो उनकी क्या थी इच्छा, प्रतिष्ठा की, मेरा नाम हो, है ना, नाम की मेरे बड़ी प्रतिष्ठा की इच्छा थी। गुरुदेव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और कुछ? उन्होंने कहा हाँ कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ मेरा सबसे बड़ा अच्छा मकान हो पूरे गांव में। गुरुदेव ने कहा ठीक है वो भी हो जाएगा। और कुछ? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की कहीं अच्छी सी शादी हो जाए, लखपति करोड़पति घर में। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा और कुछ है, और कुछ भी बाकी है? उसने कहा गुरुदेव एक चीज़ और रह गई, गुरुदेव मैं चाहता हूँ मुझे भक्ति मिले, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता? देखो हमने एक श्लोक याद किया था ना, आचार्य माम विजान्यत न अमन्यत करहिच चित्चित न मृत बुद्धि अश्वेत सर्व देवमयो गुरु। लास्ट में लाइन है सर्व देवमयो गुरु। देखो गुरुदेव ने सब कुछ प्रदान कर सकते हैं अगर वो, देखो गुरुदेव से प्रसन्न थे, वो चाहता था गुरुदेव से शुरू में बोलता था गुरुदेव मुझे भक्ति मिल जाए भगवान की, है ना, मैं अच्छे से लोग वैष्णव की सेवा कर सकूँ। तो गुरुदेव कहते ठीक है तथास्तु, और मिल भी जाता क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों की बात नहीं टालते हम जानते हैं ना। लेकिन उसने क्या मांगा, संसारिक वस्तु, मेरा नाम हो जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हैं। तो उसमें गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया उसे कि नहीं भैया तुझे ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक छोटी सी उन्होंने कथा बताई कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था सेठ, उसने एक पानी मंगाएगा, पानी वाले से बोला है पानी कितने का है, है ना। उसने कहा कि भैया पानी कितने का है, 20 रुपये का है। तो उसने कहा नहीं 10 में देगा। उसने कहा नहीं, वो बच्चा हंसते हुए चला गया। तो एक व्यक्ति ने उसे पूछा भी क्यों हंस रहा है, क्यों हंसा? तो उसने बोला कि सेठ को प्यास ही नहीं लगी। तो उसने कहा तुझे कैसे पता? कहता उसे प्यास लगी होती, वो देखो चाट चटोरी तो सब खा रहा है, टिक्की गोल पे छोले तो सब खा रहा है, मांग मांग के, लेकिन पानी के लिए बार्गेनिंग कर रहा है, नहीं इतने का देगा देगा, क्यों? उसे प्यास ही नहीं है। तो हमने बताया था ना एक मुख्य होता है गौण होता है, तो मुख्य क्या था उसके लिए, और चीज़ थी, गौण में क्या था, पानी। तो उसी तरह उसने भक्ति को रख दिया गौण और मुख्य रख दी संसारिक वस्तु, तो वो नहीं मिलेगी। तो हम इसका मुख्य कथा का सार ये था कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी भजन कर रहे हैं, जो भी माला कर रहे हैं, जो हमारी इच्छा होगी ना हमें वही मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, जो मांगोगे वही मिलेगा, है ना। जैसे बहुत से लोग देते हैं भंडारा कराते हैं, बहुत बड़ा उत्सव करा दिया, सब कुछ करा दिया, है ना, फिर बाद में क्या चीज़, उनको उनके मन में इच्छा क्या होती है, मेरा नाम हो जाए, ठीक है, नाम होता है, नाम भी होता है, लोग कहते अरे वाह वो देखो सेठ जी ने क्या भंडारा कराया, क्या क्या उत्सव कराया, नाम हो गया, और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 रुपये थे, 10 रुपये की चीज़ ली, 10 रुपये मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब कहते हैं ना भक्ति कर रहे हो संभल के, भैया संभल के क्या मांग रहे हैं ये हमें समझना है, है ना। तो उसी तरह एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक भक्त, उसने शिवजी जी की तपस्या की, बड़ी तपस्या की, शिवजी जी प्रसन्न हो गए उससे। तो शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि शिवजी जी मेरी कुछ इच्छा है। उन्होंने पूछा क्या इच्छा है? उन्होंने बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ मैं बहुत धनवान बन जाऊँ। शिवजी ने कहा ठीक है, लेकिन नहीं 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 शिवजी जी एक और मेरी इच्छा है। बोलो क्या? उन्होंने कहा मेरी माता है ना बूढ़ी है, बूढ़ी माता है मेरी बहुत, उनकी आँखें नहीं है, मैं चाहता हूँ उनकी आँखें ठीक हो जाए। शिवजी ने कहा ठीक है। तो जैसे तथास्तु कहने वाले थे, कह रहे नहीं 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 शिवजी जी रुको,
नहीं मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो जाए। शिव जी ने कहा ठीक है। तो जैसे ही शिव जी ने कहा तथास्तु, नहीं सुखो शिव जी रुको, अब बड़ा सोच में पड़ गया। तो शिव जी ने कहा भैया एक वर मांगो मुझसे, है ना, तुम चाहते हो कि तुम्हारी माता की आँखें भी ठीक हो जाए, तुम अमीर भी बन जाओ और तुम्हारा क्या है तुम्हारी शादी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो एक वरदान मांगो। तो उसने कहा शिव जी मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल सोच के बताऊँगा क्या मांग रहा है। बड़ा परेशान घर गया, इधर उधर घूमा, तो अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने उसके कान में बात बताई, उसने कहा ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ। और अगले दिन शिव जी के पास दोबारा गया, शिव जी का आह्वान किया और शिव जी प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए। बोलो बस क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए, स्त्री चाहिए या तुम्हारी माता की आँखों चाहिए, धन चाहिए, बताओ क्या चाहिए। तो उसने क्या मांगा, उसने कहा कि देखो शिव जी मुझे एक ही वरदान चाहिए, आपने बोला था ना एक ही मिलेगा। उन्होंने कहा देखो मैं चाहता हूँ मेरी जो बूढ़ी माता है ना, वो अपने नात पोते को सोने के पलने में झूला झूलते हुए देखे, बस मेरी यही इच्छा है। मेरी इच्छा यह है, मेरी माता है सोने के पलड़े में अपने नाती को झूला झूलते हुए देखे। शिव जी ने कहा भैया ये क्या मांग लिया, तो एक ही वरदान में तीनों मांग लिए, अब देखो माता कैसे देखेगी। उसने बोला मेरी माता हमारी मेरी इच्छा है मेरी माता सोने के पलड़े में, तो सोने का पलड़ा कहाँ से होगा, जब भैया तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए का पैसा धन होगा तभी तो सोने का पलड़ा होगा, है ना। तो देखो सोने का पलड़ा भी मिल गया और मेरे तुम्हारे उसके पोते को खेलते हुए देखे, पोता कब होगा, जब उसकी शादी होगी, तो शादी भी होगी पोता भी हो गया और झूला झूलते हुए देखे, कैसे देखेगी, जब आके ठीक होगी तभी तो देखेगी। तो शिव जी ने कहा भैया तू ये बता तू किसी वैष्णव के पास गया था क्या, कह रहा हाँ गुरुदेव, वो शिव जी से बोला हाँ मैं वैष्णव के पास गया था। तो देखो वैष्णव लोग हैं ना, ये हमें जगत की चीज़ हो या भगवत धाम की कोई भी चीज़ हो, यह हमें हमारा ऐसा मार्गदर्शन दर्शन करेंगे कि हमें हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी, हर चीज़ लेकिन हमें वास्तव में मांगना क्या है। एक और भक्त की कथा आती है, वो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न नहीं किया, शिव जी प्रसन्न होकर आ गए, बोलो बस क्या चाहिए। उन्होंने कहा शिव जी मेरी ना बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए थोड़ा धन दे दो। शिव जी ने कहा अरे मांग भी रहा था क्या मांग रहा है, बड़ा अच्छा भक्त था, शिव जी उसका कल्याण करना चाहते थे। उन्होंने कहा तुम एक काम करो वृंदावन जाओ, वहाँ ब्रज में एक गोस्वामी है, कौन है, सनातन गोस्वामी, है ना, जो हम कहते हैं जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो सबसे पहले जो सनातन गोस्वामी, ये वही उस गोस्वामी, उनके पास उन्होंने भेजा, ये भी सच्ची घटना है कलयुग की। उन्होंने कहा ठीक है तुम उनके पास जाओ, बोलना मेरा नाम लेना कि शिव जी ने भेजा है, ठीक है, और वो तुम्हें जो चाहिए धन चाहिए जितना चाहिए देंगे, तुम्हें प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो ब्रज आया, ब्रज में उसने पूछा कि सनातन गोस्वामी कहाँ रहते हैं। वो सनातन गोस्वामी जी की कुटिया में गया, उन्होंने प्रणाम किया, वैष्णव दर्शन किए और उनसे बोला कि मैं मुझे ना कुछ धन चाहिए। तो बाबा ने कहा भैया मैं धन मेरी तो देखो कुटिया टूटी हुई है, धूप आ रही है बारिश आ रही है, मैं अपनी कुटिया ठीक नहीं कर पा रहा, तुम कह रहे मुझे धन चाहिए, मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हें धन दूँ। तो वो कह रहे नहीं आप मुझे तो शिव जी ने बोला है। तो व्यक्ति जब जाने लगा उसने खुद ही देखा यार इन संत के पास तो कुछ है ही नहीं, ये मुझे कहाँ से देंगे, लगता है शिव जी ने मुझसे झूठ बोला। तो जो सनातन गोस्वामी जी थे उन्होंने कहा अरे ये मेरे पास आया है और इन्हें किसने भेजा है, वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी ने भेजा है ना, तो इनकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता, तो शिव जी ने भेजा है जरूर कुछ कारण ही होगा। तो उन्हें याद आया एक बार वो परिक्रमा कर रहे थे, कहाँ की गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते उन्हें क्या मिला है, पारस पत्थर। तो पारस पत्थर क्या होता है, वो जिसको भी टच करोगे सोना बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया इधर आ इधर आ, कह रहे वो देखो कूड़ा पड़ा हुआ है ना कूड़े का ढेर, उसमें देखिए कोई पत्थर पड़ा हुआ है पारस पत्थर। वो कह रहे कूड़े के ढेर में पत्थर पड़ा हुआ है। वो गया कूड़े के ढेर में, उसने झोपड़ी के जो थी साइड में उसने ढूंढा उसे मिल गया पारस पत्थर। तो उन्होंने कहा इसे ले जाओ और जितना तुम्हें सोना चाहिए ना उतना सोना बनाओ तुम, उतना तुम्हें धन मिलेगा। उसने देखा पारस पत्थर, उसने वहीं पर एक छोटे से लोहे के टुकड़े को टच किया, वो सोना बन गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वो वापस जब लेके आ रहा था ना तो उसके मन में देखो वैष्णव दर्शन करके आया था, है ना, शिव जी से वरदान प्राप्त था, जब वो वापस आ रहा था ना उसके मन में एक इच्छा हुई
कह रहे कि ये ऐसा पत्थर है, बहुमूल्य पत्र, कि जिसको अगर छुआ दो, जिस लोहे में टच कर दो, वो क्या बन जाता है? सोना। अरे बाबा तो वैसे ही रह रहे बिल्कुल हैं फटेहाल, कुछ भी नहीं इनके पास, तो इन्होंने क्यों नहीं बनवाया? इन्होंने इतना सोना बना के अपने लिए महल वहल क्यों नहीं बना दिए? तो ज़रूर इनके पास इससे भी बहुमूल्य कोई वस्तु है, इससे भी बहुमूल्य वस्तु है कोई, पारस पत्थर से भी। वो दोबारा वापस गए उन सनातन गोस्वामी जी के पास कि गोस्वामी जी मुझे ये बताइए कि आपके पास इससे भी कोई बहुमूल्य वस्तु है? हैं, ये देखो आपने तो इसे कूड़े में फेंक रखा था, जगत के लोग इसके लिए रो रहे हैं, लोगों को दर्शन भी नहीं होते, और आपने इसे कूड़े में फेंक रखा था। तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ मेरे पास इससे भी अच्छी वस्तु है। तो उन्होंने कहा मुझे चाहिए वो। तो उन्होंने कहा ठीक है मिलेगी, लेकिन इसके लिए काम करना होगा तुम्हें, इस पत्थर को जाओ यमुना में फेंक दो और यमुना में स्नान करके आओ, इस पत्थर को फेंक दो यमुना में और स्नान करके आओ। वो भक्त गया, उसने वो पत्थर को फेंका यमुना में, पारस पत्थर को, और वह स्नान करके आया। और उन्होंने क्या बोला सनातन गोस्वामी जी ने कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? सबसे प्रिय वस्तु, सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? बांके बिहारी भगवान। ठीक है, उन्होंने उसे क्या दिया? भगवान का नाम। सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या दिया? भगवान का नाम, जो हमें किसने दिया? हमारे गुरुदेव ने। तो हमें बहुत सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हुई है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हुई है, लेकिन हमें उसकी अभी वैल्यू नहीं पता, उसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन हमारे गुरुवर हमें बताते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसी है कि क्या है, चिंतामणि, जो इच्छा करोगे वही मिलेगा। लेकिन हम क्या है, अभी हमारी श्रद्धा नहीं, हमारा विश्वास नहीं है, है ना। हमें मुख्य जो वस्तु चाहिए हम उसकी ओर जा ही नहीं रहे। एक राजा था, मेरे को छोटी कथा याद आ गई, एक राजा था, उसने अपने राज्य में अनाउंसमेंट कर दी कि मेरा जो राज्य है ना, उसके बाद दो दो राज्य थे, एक युद्ध में जीता था वो, उससे बहुत अच्छा राज्य था। उसने कहा मैं यहाँ से छोड़ के दूसरे राज्य में प्रवेश करूँगा, इस राज्य को मैं लोगों को बांट दूँगा। उसने अनाउंसमेंट कर दी कि कल सुबह 5 बजे मेरे महल में आना, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को छुएगा उसकी वो वस्तु उसकी। रात भर लोगों को नींद नहीं आई है, सुबह सुबह 2-3 बजे आके लाइन में लग गए वहाँ के महल के बाहर। जैसे ही राजा का गेट खुला सब भागे, पुरुष लोग भागे महल की ओर, स्त्री लोग भागी जो रानियों की कक्ष की ओर, ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियों को छू लेंगी, ज्वेलरी को छू लेंगी है। पुरुष लोग हैं राजा के घोड़े को छू लेंगे, हाथी को छू लेंगे, किसी अच्छे सोने के पात्र को छू लेंगे। बच्चे भागे वहाँ राजा के बच्चों की तरफ कि वहाँ अच्छे अच्छे खिलौनों को छू लेंगे, कुछ छू लेंगे। सब भागे भैया हैं, सब उधर उधर भाग रहे हैं, भागो दौड़ी मची हुई है। स्त्रियाँ भाग रही हैं रानियों के कमरे में, उनकी ज्वेलरी की छू रही हैं, कोई उनकी साड़ी वस्त्र छू रहे हैं, और जो जो वस्त्र छू ले रहा है वो उसकी। एक बच्चा छोटा सा राजा एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, वो देख रहा है सब कुछ, कौन लोग भागा दौड़ी मची हुई है। वो छोटा बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता चढ़ता आया, राजा ने कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जाओ जो तुम्हें चाहिए वो छू लो। उस बच्चे ने क्या करा, राजा को छू लिया। राजा ने कहा, कह रहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए, कह रहा आपने ही बोला था ना जो जिसको छू लोगे वो तुम्हारा। उसने राजा को छू लिया। राजा ने कहा बेटा आज से सारा राजपाट तुम्हारा, सारा राजपाट तुम्हारा। तो देखो वास्तव में हमारे गुरुवर भी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ों के पीछे मत भागो, सबसे बहुमूल्य ऊंची चीज़ जो है ना उसको प्राप्त कर लो, बाकी सब चीज़ें हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ये बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। लीला की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आज एकादशी तिथि है। आज किसने किसने एकादशी व्रत रखे, कौन कौन एकादशी व्रत? सब एकादशी व्रत। इसलिए आज जो एकादशी है ये द्वादशी युक्त ये एकादशी है। देखना कभी कभी एकादशी आती है जो स्मार्त लोग और वैष्णव लोग एक दिन में ही वो एकादशी करते हैं, लेकिन कभी कभी एकादशी जब द्वादशी में लग जाए वो द्वादश से युक्त जो एकादशी का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए आज जो एकादशी है ये बेंजला महाद्वादशी है, ये महाद्वादशी के साथ में ये जुड़ा हुआ, इसलिए आज का एकादशी का बहुत बहुत महत्व है। इसलिए पहले मैंने सुनाया था ना एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब है एकादशी करते हुए जो ठाकुर जी से मांगोगे, ठाकुर जी सब इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। इसलिए आज ये जो
जोगिनी एकादशी, इसको बारे में आज हम थोड़ी सी सुनेंगे। आज एकादशी जो कर रहे हैं उसका हाँ, अब लेने के लिए आए तब तू खड़े क्यों थे, मेरे को बोलना चाहिए था ना। हाँ बैठो, मैं दो मिनट में खत्म। इसलिए आज ये जोगिनी ये एकादशी व्रत है। यदि ये जो कथा है भगवान कृष्ण स्वयं श्री युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा की क्या महत्व है। यदि ये जो जो योगिनी एकादशी है, यदि इसमें युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण आप बताओ ये एकादशी व्रत करने से क्या मिलेगा। तब भगवान कहते तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये कथा को ध्यान दे करके सुनो, ये एकादशी व्रत का क्या महत्व है। कहते एक है, कहते ये अलकापुरी में हैं, कहते एक राजा, लेकिन वो फूल लेकर के वो देते थे कुबेर को। कुबेर जी ये शंकर जी को रोज पूजा करते थे, लेकिन उसका जो पत्नी जो थी, इसकी जो यक्षकी, उसको पत्नी उसका नाम थी विशालाक्षी। विशालाक्षी मतलब आँख जिसकी बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी सुंदर आँखी। और सचमुच से उसका जो पत्नी बहुत ही सुंदर थी, वो इतने सुंदर थी उसको प्रति वो यक्ष बहुत आसक्ति था। ये रोज फूल लेकर के देते थे किसको, कुबेरे को। कुबेरे शंकर जी की पूजा करती थी, उसने अपना पत्नी को तो प्रेम करता था ज़्यादा, बोले आज जो फूल है ना आज हम नहीं देंगे कुबेरे को, आज ये फूल लेकर के अपना घर में जाऊँगा और सुंदर सुंदर माला बना करके अपना बीबी को मैं सजाऊँगा। तो उन्होंने वो फूल लेकर के वो शंकर जी की सेवा में नहीं दिया, अपना पत्नी को लेकर के अपना घर में सजाया, पत्नी को साथ में रहा उसी दिन। इतने में 6 घंटा तक अपेक्षा किया कुबेर ने, फूल लेकर के आएगा शंकर जी की पूजा हो, जब आया नहीं। इतने में एक व्यक्ति को भेजा, जाकर देखो तो क्या कर रहा है, 6 घंटा हो गया शंकर जी की पूजा निकल गया, क्या कर रहे हैं, जाकर देखा पत्नी को साथ मस्त है, विषय भोग कर रहा है। और उसने बोले तुमको बुला रहा है कुबेर जी, सुन करके वो कांपते कांपते आया, आ करके उनके चरण में गिरा, माफ़ी मांगा, बोले दुष्ट कहाँ शंकर जी की सेवा में फूल लगता था, तुम ये फूल को लेकर के अपना बीबी को श्रृंगार किया है, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तुम ये स्वर्ग लोक को छोड़ करके मरते जगह जाओगे और तेरे को कूड़ हो जाएगा सारा शरीर। जो विषय भोग कर रहे हो पत्नी को साथ में, वो पत्नी को साथ में रह ही नहीं सकते हो आप। ये अभिशाप सुन करके वो तो कांप उठा, फिर उसको मरते जगत में जन्म हुआ, होने पर ये मरते जगत में उसको कुष्ठ और सारा शरीर में कूड़ समझते कि नहीं, कुष्ठ व्याधि उस बीमारी सही नहीं होता है, किसको हो गया ना हमारे गांव में देखते तो उसको पूरा गांव से निकाल देते थे, वो सहज नहीं होता, हाथ पैर गल जाती हैं। इतने दुख कष्ट उसने जीवन में बिताया, इतने दुख कष्ट, रात में नींद नहीं आती कि पत्नी उसकी छूट गई, इतने सुंदरी पत्नी थी, राज ऐश्वर्य सब छूट गया, दर दर भटक रहा है, इतने दुख कष्ट भोग कर रहा है। ऐसे दुख कष्ट भोग करते करते हठात क्या हुआ, एक समय एक ऋषि को साथ में उनकी मुलाकात हुई हैं, कहते श्री मार्कंडेय ऋषि से उनको मुलाकात हुई। होने पर ऋषि को देख करके, क्यों, उसने पूर्व जन्म में क्या करता था, फूल लेकर के जो देता था वो शंकर जी की सेवा होती थी, शंकर जी वैष्णव, चूँकि उसने जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया था, पुण्य कर्म वजह से वो तो दूसरा बार जन्म लेकर कुष्ठ व्याधि हुआ, लेकिन उसका स्मृति है पहले मैंने ऐसे शंकर जी की सेवा के लिए देता था और मैंने एक दिन गलती की वजह से हो गया। संतों को देख करके जानते हैं, संत जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, कहते भाग्य जो नहीं कर सकता है संत वो काम कर सकते हैं। उन्होंने जाकर बारम्बार उन्होंने प्रणाम किया ऋषि के चरण में, उन्होंने बारम्बार उन्होंने मार्कंडेय ऋषि के प्रणाम किया। संत बड़े दयालु बड़े कृपालु, बोले बेटा इधर आ, क्या बात है। तो उन्होंने सारी बात बताया, पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे कर्म की और कैसे ये दुष्कृति से मेरे को ये पाप जोनि कैसे प्राप्त हुआ। बोले बाबा आप कृपा करके बताओ ऐसे क्या कर्म कुछ है जो कि ये कुष्ठ व्याधि से मुक्त हो करके फिर अपना धाम में जा सकता हूँ। बोले हाँ, कहते आज का जो एकादशी है, हैं, कहते ये आज का जो एकादशी है, कहते अगर ये एकादशी व्रत का अगर तुम अच्छे तरह से पालन करोगे, ये तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में ये योगिनी एकादशी, अगर ये एकादशी को तुम अगर ठीक ठीक से पालन करोगे, कहते ये एकादशी का फल से, एकादशी में इतने शक्ति है, हैं, इसलिए आप लोग देखना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम समय में पड़ा हुआ, बिस्तरा में पड़ा हुआ, प्राण नहीं जा रहा है,
बड़ा कष्ट दुख पा रहे, किसी ब्राह्मण को पूछा बुलाओ जल्दी से जल्दी, इसकी मुक्ति कैसे होगी। देखना कोई बार व्रत का नाम नहीं बताया, बताया भाई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो, इतने महिमा, इतने महिमा। इसलिए क्या तुम ये एकादशी को निर्जला एकादशी करो ठीक से, और करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करना, फिर इसका फल से मुक्त हो जाओ। सचमुच से उसने जब ये एकादशी व्रत की, दूसरे दिन सारे पाप उसको नष्ट हो गया। फिर उन्होंने पुनः स्वर्गलोक में गमन किया, फिर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने लग गया। इसलिए कहते आज का एकादशी जो करेगा उसको कितना फल मिलेगा, कहते 99,000 ब्राह्मण संतों को भोजन कराने का जो फल है, कहते आज एकादशी व्रत अगर कोई करेगा तो उसको इतने उसकी पुण्य प्राप्ति होगी। लेकिन जो वैष्णव लोग हम लोग हैं, हम लोग ये पुण्य कर्म के लिए सब काम नहीं करते हैं। कहते एकादशी को बताया भक्ति जननी, ये माधव तिथि, ये तिथि भगवान कृष्ण का व्रत है, इसलिए इसको भक्ति की जननी, भक्ति की माँ है। इसलिए ये एकादशी व्रत करने से क्या होगी, ठाकुर के चरण में हमारी प्रेम बढ़ेगी, और इसी प्रेम से ही एक दिन हम श्री राधा कृष्ण के चरण में भक्ति प्राप्त करके हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते। स्वर्ग तो तब तक स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं हो जाता है, पुण्य खत्म होते ही फिर गिरोगे। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम ठाकुर जी के पास में गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। जाने से कृष्ण कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ब्रह्म, जिस धाम को जाने से फिर कभी जीव संसार में आएगा नहीं, जहाँ परम शांति परम सुख ठाकुर का नित्य परिकर बन करके उनकी चिरकाल के लिए उनको सेवा सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का जो एकादशी इसका विशेष विशेष महत्व है। इसलिए आप लोगों ने जो एकादशी व्रत रखे हो, कल एक काम करना, क्या करना, 9:30 बजे को अंदर में जैसे आप व्रत खोलते हो ना चावल, जैसे ठाकुर को रोटी नहीं तो चावल भोग लगा करके उसको 9:30 बजे अंदर में सूर्य उदय के बाद में आप लोग उसको ग्रहण कर लेना। ग्रहण करने से आपका एकादशी व्रत खुल जाएगी और एकादशी का जो भक्ति फल आपकी प्राप्ति होगी। ठीक है, प्लस वृंदावन ब्रह्मांड सर, अभी आज इनके घर में कीर्तन एकादशी का कीर्तन हो रहे ना, अभी उनको जाना है हमको, और इनके घर में मैं सोच रहा था क्यों बलराम प्रभु क्यों भेज नहीं रहे इसको, इसलिए मैं तो सोच रहा था क्यों भेज नहीं रहे कि वह कोई आ नहीं रहे। ठीक, इसलिए हाँ थोड़ा कीर्तन कर लो, उनको सबको शरबत पिला था, सबके ले आओ रख करके। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे काल के जाते हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे का। दूसरे दिन नियम है कुछ साधु संत को भोजन करा के व्रत खोलनी चाहिए। भोजन कराना मतलब है जैसे आप लोग सीधा देते हैं ना, आज लगता है कुछ लोग कल भी व्रत रखे होंगे, आज सीधा देख रहे हैं, जो आज किए हो कल आप लोग यहाँ पर सीधा दे करके अगर आप व्रत खोलोगे तो विशेष विशेष फल होता है। अगर किसको अपना घर में, जैसे आज इनके घर में एकादशी का कीर्तन है,
अगर कोई अगर एकादशी का कीर्तन घर में रखवाना चाहते हो आप लोग रखवा सकते हो। जैसे हम लोग अभी है, अगर कोई अपना घर में भी वैसे दिन में कीर्तन रखवाना चाहते हो आप लोग मंदिर में आकर के आप निमंत्रण दे करके बुला सकते हो। ठीक है, जाओ आप लोग शरबत भी कर दो। जय श्री गुरु मिथिला वृक्ष भक्ति सर्व सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय। लो प्रभुपाद की जय। सब गुरु गौरव मुझे जाऊँ।